अगर आप एथर को बाय करने जा रहे हो तो ये गाड़ी की कंडीशन बहुत अच्छी है और गाड़ी भी अच्छी है, बट मेन इश्यू आ रहा है इनकी सर्विस बहुत ही घटिया है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस गाड़ी के अंदर आ रही है वो है ये गाड़ी जो रनिंग अपन गाड़ी वाइल ड्राइव कर रहे हैं और ऑटोमेटिकली हैंडल क्रॉस हो जाना और रिवर्स आना, ये बहुत ही बड़ी इंसिडेंट है फ्रेंड्स। तो इसका एक ऑनेस्ट रिव्यू मैं डाल रहा हूँ, तो देख लीजिए, मैं गाड़ी आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये एथर गाड़ी है, मैंने कम से कम 8 मंथ टू 9 मंथ्स हो गया इस गाड़ी को लेके। गाड़ी में नो डाउट अच्छी है, 80-85 का एवरेज इसका माइलेज भी है और चार्ज समझो ना 4 आवर में चार्ज भी हो जाती है। बट जो भी इश्यू आ रहा है वो उन कंपनी वालों को इसके अगेंस्ट में एक्शन लेनी चाहिए। और इतनी अच्छी गाड़ी होने के बाद इतनी घटिया सर्विस प्रोवाइड क्या कर रहे हो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर जो भी ये वीडियो मैं इसलिए डाल रहा हूँ, अगर आप जयपुर से ये गाड़ी बाय कर रहे हो तो फ्रेंड्स एक बार चूज़ के बाय करिएगा, क्योंकि मैं करने के बाद पछता रहा हूँ। फ्रेंड्स आज का ये जो व्लॉगिंग है अपना, मैं फर्स्ट व्लॉगिंग कर रहा हूँ। पहले मैंने बाइक के वगैरह काफ़ी व्लॉग्स किए हुए हैं, मैं पहले यामा मेरे पास था और अभी मैंने रिसेंटली ये एथर लिया हुआ ये व्हीकल। तो ये रिव्यू मैं करने का मेरा एक ही मोटिव और एक ही रीज़न है, क्योंकि इस गाड़ी जो भी ये एथर मैंने ली हुई है स्कूटी, इसमें सबसे बड़ा इश्यू क्या आ रहा है इस एथर में, ये गाड़ी आप चला रहे हो चलते चलते ऑटोमेटिकली इसका स्टीयरिंग है ना फ्रेंड्स, ऑटोमेटिकली क्रॉस हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये बहुत ही बड़ी इंसिडेंट है इस गाड़ी के अंदर। और सेकेंडली इसका ऑटो रिवर्स भी हो जाती है गाड़ी चलते चलते, ये अभी सडनली इस गाड़ी के अंदर इश्यू आ रहा है। लगभग ये गाड़ी मैं कम से कम 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक मैंने इसमें कोई इश्यू देखा नहीं है। और मैंने रिसेंटली इनकी जहाँ से मैंने परचेज़ की थी वहाँ से मैंने सर्विस भी ली हुई है, 2 महीने भी नहीं हुआ गाड़ी को सर्विस लेके, कम्प्लीटली कंपनी की तरफ से बंदा आया प्रॉपरली चेक करके गाड़ी को और पूरा सर्विस करके गया, 2 महीने हो गया। और ये अभी रिसेंटली 10-15 दिन पहले ही ये गाड़ी मेरे फादर चला रहे थे, ऑटोमेटिकली इसका क्रॉस हो जाता है हैंडल और ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाती है फ्रेंड्स। तो ये कि इंसिडेंट वाली है घटना है, तो इसके लिए मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन की तरह रिव्यू डाल रहा हूँ व्लॉगिंग करके। तो एथर आप गाड़ी ले रहे हो तो एक बार फ्रेंड ज़रूर सोचिएगा, ये जो गाड़ी हमने बाय की थी जयपुर ब्रांच से बाय की थी और इनकी सर्विस इतनी वर्स्ट सर्विस है फ्रेंड्स कि आप बिलीव नहीं करोगे। कम से कम 2 महीने से फ्रेंड फॉलो कर रहा हूँ उनको, कोई अपडेट नहीं है उनकी तरफ से। जब बंदे को कोई बिजनेस कर रहा है, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ क्लाइंट को, अगर कुछ प्रोडक्ट सेल्स कर रहा हूँ, तो सेल्स करना कोई बड़ी बात नहीं है, सेल्स करने के बाद कस्टमर को सर्विस देना वो बड़ी बात है। यानी कम से कम 2 महीने से उनके एथर की जो मेन ब्रांच है कर्नाटका, जहाँ जो नंबर प्रोवाइड किया हुआ कस्टमर केयर, वहाँ पे भी मैंने कॉल कर दिया, उनकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं। उनकी तरफ से रेस्पॉन्स मिला तो आपको जयपुर की टीम वहाँ से फॉलोअप करेगी, फिर मैंने जयपुर की टीम को कंटिन्यू समझो ना 1-2 महीने से फॉलो कर रहा हूँ, बट उनकी तरफ से कोई अपडेट्स नहीं आ रहा है। हर टाइम नए नए नंबर मिल रहे हैं बट सर्विस और कहीं से भी उनकी तरफ से कोई कंफर्मेशन कॉल नहीं आ रही है, सर आपकी ये प्रॉब्लम हमने राइज की है। तो फ्रेंड्स मेरा एक ऑनेस्ट रिव्यू मैं ये गाड़ी का कर रहा हूँ, गाड़ी में कोई इश्यू नहीं है, बट गाड़ी में अभी करंटली जो इश्यू आ रहा है, आप गाड़ी लेने के 6-7 महीने आपको अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा, गाड़ी में कुछ भी इश्यू नहीं आएगा। ये 7-8 मंथ के बाद जो इतने बड़े बड़े इश्यू आ रहे हैं सर, ये जो इश्यू है ना कोई छोटा इशू नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप गाड़ी चला रहे हो, रोड हाईवे है, नेशनल हाईवे है, वहाँ पे गाड़ी चला रहे हो, आपकी 40 की स्पीड है, 50 की स्पीड है, गाड़ी सडनली ये क्रॉस हो गया, यानी ये बहुत एक्सीडेंट होने वाले इंसिडेंट है फ्रेंड्स। इसके लिए मैं एक ऑनेस्ट रिव्यू डाला उस गाड़ी का। अगर आप एथर ले रहे हो तो एक बार, अगर मेरा वीडियो आपने वॉच किया है तो एक बार देख के मैं ऑनेस्ट रिव्यू कर रहा हूँ इस गाड़ी का। यानी इतना ट्रबल हो रहा, मेरा 1.5 लाख रुपया पूरा वेस्ट हो गया ये गाड़ी लेने के बाद, मेरा पूरा 1.5 लाख रुपया वेस्ट हो गया। कंपनी की तरफ से मेरे को कोई सर्विस का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, रोज़ मैं मेरा बिजनेस छोड़ के मैं इनको फॉलोअप कर रहा हूँ, बंदा ये नंबर दे रहा है आपका, आज हमारी टीम जयपुर गई है, आज हमारे उदयपुर में ओपनिंग है, आज हमारे उदयपुर में ये है, आज हमारी टीम बंदा बीमार है, यानी जो भी है कस्टमर को चक्कर कटवाना या घुमाने वाला काम कर रहा है फ्रेंड्स। अगर गाड़ी ले रहे हो तो ये रिव्यू अगर आप देख रहे हो एक बार चूज के लेना, गाड़ी अच्छी है नो डाउट, बट गाड़ी में जो इश्यू आ रहा है बहुत बड़ा इश्यू है। और सेकेंडरी इश्यू आने के बाद इनकी सर्विस बहुत ही जीरो सर्विस है फ्रेंड्स, आप थक जाओगे लेकिन आपकी गाड़ी सर्विस करने नहीं आएगा। मैंने लास्ट जो सर्विस की हुई है, मेरे पास 2500 चार्ज किया, 2500 चार्ज करने के बाद मैंने उनको सिंपली पूछा, सर मेरे आपका बंदा हमारे यहाँ सर्विस करने आया था गाड़ी,
तो उसने क्या सर्विस की है, उनके पास कोई डिटेल नहीं है। आप ज़्यादा हमारे से ऐसे टोन में मत बात करिए, नहीं तो हम आपका कॉल डिस्कनेक्ट कर देंगे, ये कर देंगे। ऐसे धमकी दे रहे, अपने को धमकी दे रहे ऐसे ऐसे फ्रेंड्स कि अपन ने गाड़ी लेके उनसे कोई दुश्मनी ले ली हो। तो मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, अगर आप बाय कर रहे हो तो एक बार सोच लेना, गाड़ी वर्स सर्विस, सर्विस जितनी भी इनकी जयपुर की ब्रांच है, ओपनली बोल रहा हूँ, सबसे घटिया सर्विस इनकी जयपुर की ब्रांच है फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो देख रहे हो तो जितना पॉसिबल हो अपने फ्रेंड्स फैमिली सबको शेयर करिए, क्योंकि अगर कोई भी बंदा वहाँ से गाड़ी लेगा उनको सर्विस नहीं मिलेगी। अभी मैं जहाँ मेरा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ डिस्ट्रिक्ट से और जयपुर का डिस्टेंस कम से कम 500 डिस्टेंस है फ्रेंड। अगर इस गाड़ी को मैं वहाँ तक लेके जाना, मेरे को मिनिमम 10,000 का एक्सपेंस करना पड़ेगा, और इतना मैं अफोर्ड नहीं कर पाता हूँ। मैं एक जॉब करने वाला पर्सन हूँ, तो फ्रेंड हॉनेस्ट रिव्यू कर रहा हूँ। गाड़ी अगर बाय कर रहे हो तो एक बार सोच के बाय करना। थैंक यू।